अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ। हमारा जो आज का नुस्खा है जी, ये है सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ कशनीज़ी। एक आसान सा नुस्खा, बनाने में भी आसान है, इस्तेमाल करने में भी आसान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ायदे इसके बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये सस्ता सा नुस्खा है, गरीबों के लिए ये नुस्खा दोस्तों को दिया जा रहा है। जो दोस्त बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, मुग़ल्लज़ इस वक्त बहुत महंगा हो चुका है। जो भी सफ़ूफ बनाते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे सफ़ूफ जिनके अंदर सालब पंजा, सालब मिस्री और इसी तरह के दीगर जो मुग़ल्लज़ात होते हैं, वो इस वक्त गरीब बंदे की पहुँच से दूर निकल चुके हैं, क्योंकि पंसार बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, इसलिए हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये नुस्खा उन दोस्तों के लिए तरतीब दिए गया है जो दोस्त अपने जेब के ऊपर ज़्यादा जो है वो खर्च नहीं कर सकते अपनी ज़ात के ऊपर, और इसके अलावा महंगाई के तनासब को देखते हुए बहुत ज़्यादा महंगा नुस्खा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये नुस्खा जो है उन दोस्तों के लिए तरतीब दिया गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अगर पंखा चलाएं मतलब के अंदर, तो पंखे के शोर की वजह से आपको वीडियो जो है उसकी क्वालिटी सही नहीं लगेगी, आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जो है बग़ैर पंखे की वीडियो बनाई जा रही है, पंखा नहीं चलाया जा रहा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पसीने की जो कसरत है वो चेहरे के ऊपर नुमाया है, आपको नज़र आ रही होगी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मोहब्बत का यह सिलसिला चलता रहे, और यह तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अब आप तावन पहुँचेंगे। तो देख लीजिए आपके सामने हमारी रोज़मर्रा के रूटीन में वीडियो बनाना जो है वो शामिल है, लेकिन आपकी मोहब्बतें जो हैं वो इसको मज़ीद निखार रही हैं। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें गोंद कीकर है, और गोंद कीकर का जो वज़न है वो 50 ग्राम है। उसके बाद इसमें मुलट्ठी शामिल है, मुलट्ठी का वज़न भी 100 ग्राम है, मुलट्ठी का वज़न 100 ग्राम है और गोंद कीकर का वज़न 50 ग्राम है। और इसके बाद इसमें कशनीज़ यानी कि खुशक धनिया, साबत धनिया शामिल है, और साबत धनिया का वज़न भी 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें समुंदर सोख लेनी है आपने, समुंदर सोख का वज़न भी 100 ग्राम है, ठीक है। ये आपने जो चार अद्वियात लेनी है, इसमें सिर्फ गोंद कीकर का वज़न 50 ग्राम है, बाकी तीनों अद्वियात का वज़न जो है वो 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें आपने कूजा मिस्री शामिल करनी है, और 350 ग्राम जो है वो कूजा मिस्री का जो वज़न है, ठीक है जी। आपने करना इस तरह है कि तमाम अद्वियात को ना सफ़ूफ बना लेना है, सफ़ूफ बनाने के बाद आपने इसका कपड़ छाने के बार कर लेना है, ताकि मुलट्ठी के जो ज़रात होते हैं वो इसमें से निकल जाएँ, क्योंकि मुलट्ठी के अंदर जो जड़ें होती हैं, जड़ नुमा जो तिनके होते हैं वो निकल जाएंगे जब आप इसको कपड़ छान करेंगे। तो तमाम अद्वियात का सफ़ूफ तैयार कर लें, और इसमें से आपने एक एक चम्मच जो है वो सुबह शाम खाली पेट लेनी है। जो दोस्त अफोर्ड कर सकते हैं दूध, वो दूध के साथ ले लें, बाकी जो दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकते दूध, वो इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन लेनी है आपने खाली पेट है। सुबह शाम के हिसाब से आप इसको तकरीबन एक माह इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह ताला ये जो नुस्खा है ये ना सिर्फ जो है क्या कहते हैं मादा हयात को गाढ़ा करता है, मनी को गाढ़ा करता है, बल्कि इसके अलावा भी इसके जो फ़ायदे हैं वो इसहाल, आंतों की जो खराश होती है उसके ऊपर काम करते हैं, मैदे की जलन के ऊपर काम करते हैं, ख़ास तौर पर खुशक खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और इसके अलावा ये लिकोरिया के ऊपर काम करता है, ठीक है जी। ये जो नुस्खा आपको दिया है ये सिर्फ मादा याद को गाढ़ा करने के लिए या मनी को गाढ़ा करने के लिए नहीं है, ये मुग़ल्लज़ नहीं है। ये नुस्खे के जो फ़ायदे हैं आपको बता दिए गए हैं, जैसे कि यानी कि ये इसहाल पेचस के ऊपर भी काम करता है, मैदे की जलन के ऊपर काम करता है, आंतों के खराश के ऊपर काम करता है, उसके अलावा जो ये जो नुस्खा है ये खुशक खांसी और लिकोरियो के लिए भी मुफीद है। तो एक नुस्खा है, और इसके फ़ायदे आप देख लें कितने ज़बरदस्त हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत महंगा भी नहीं है, दरमियाना सा नुस्खा है, बोझ नहीं पड़ेगा आपकी जेब के ऊपर भी, और आप इसको बआसानी बना सकते हैं। तमाम जो अद्वियात हैं ये पंसारी से बआसानी मिलने वाली हैं, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा जुज़ नहीं है जो आपसे छुपाया गया है, ना हम अपने किसी नुस्खे के अंदर कोई ऐसा जुज़ जो छुपाते हो आपसे।
अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुकम्मल नुस्खा दिया जाता है ताकि आपकी जेब के ऊपर भी ज़्यादा वजन ना पड़े और इसके अलावा आपको बनाने में भी कोई दुश्वारी का सामना ना हो। आप बनाएं, 100% नुस्खा काम करे। शफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, लेकिन नुस्खे के अंदर जो है ना वो हम किसी भी नुस्खे के अंदर कोई कमी नहीं रखते। तो एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि ना सिर्फ खुद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला बढ़ता रहे और चलता रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स किया करें, अपने फीडबैक से आगाह किया करें। इसके अलावा जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनसे भी गुजारिश किया करें कि चैनल को आगे भी जो है वो दोस्तों को रिकमेंड करें। हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।